हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी फैक्टराइजेशन ऑफ ए ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे फैक्टराइजेशन के, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में था आपका फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। जो सेकेंड वीडियो था उसमें था फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। आज हम थर्ड जो है पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ए ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर हमारा कोई जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है हमारा बी एक्स है, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में जब बांट देंगे तो हमारे कितने टर्म हो जाएंगे, आपके थ्री टर्म की जगह फोर टर्म हो जाएंगे, है ना। तो फोर टर्म हो जाएंगे, फिर इसमें रीग्रुपिंग कर लेंगे, दो दो का क्या कर लेंगे, पेयर बना देंगे, उसमें से कॉमन ले लेंगे जो कॉमन होगा। अब ये इस स्प्लिटिंग मेथड में ट्राइनोमियल में और हमारा जो है क्या होता है आइडेंटिटी में भी हमारे क्या होते हैं, थ्री टर्म ही होते हैं, वो भी ट्राइनोमियल ही होता है, लेकिन उसमें उसमें क्या हमारा डिफरेंस है, इसमें हमारा जो होता है वो होल स्क्वायर के टर्म होते हैं, उसमें होल स्क्वायर में चेंज करके हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज करके सब कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के अगर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें होल स्क्वायर नहीं होता है, तब उसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। जब आइडेंटिटी नहीं यूज में आती है तब हम स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं, बी को स्प्लिट करते हैं, यानी दो भाग बांट देते हैं, बी वन में और बी टू में। इस प्रकार से बांटते हैं कि बी वन प्लस बी टू इक्वल टू क्या, या माइनस है इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यानी b1 और b2 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। और b1 into b2 इक्वल टू क्या होता है, a into c के बराबर होता है। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ac के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कैसे होता है, एग्जांपल के बाद देखते हैं। जैसे हमारा है एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पर हमारे थ्री ट्राइनोमियल है ना, ये स्क्वायर का टर्म है लेकिन ये स्क्वायर का टर्म नहीं है, यानी हम इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम बीच वाले टर्म के दो पार्ट करेंगे, तो उसके कितने क्या पार्ट होंगे, तो हम इसके इससे हम पता चलता है। और हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू फाइव और सी इक्वल टू क्या हमारा सिक्स है। यानी a इंटू सी वन इंटू सिक्स इक्वल टू क्या हो गया, सिक्स है। यानी हम b के दो जो पार्ट करेंगे वो हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आना चाहिए। सिक्स के फैक्टर क्या होते हैं, सिक्स का फैक्टर होते हैं वन इंटू सिक्स, और क्या होता है सिक्स का फैक्टर टू इंटू थ्री। तो सिक्स वन जा सिक्स, एक तो इसका ये दो पार्ट बना हुआ, दूसरा क्या टू इंटू थ्री, तो टू थ्री जा सिक्स, टू और थ्री जो एड करेंगे तो फाइव आएगा, है ना। और सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका सेवन आ जाएगा। लेकिन अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का कोई टर्म है नहीं। यानी हम यहाँ पर फाइव के दो पार्ट करेंगे, टू और थ्री हो जाएगा। फिर से इसको समझिए, हमारा सिक्स है, ए और सी का मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आया, ठीक है, सिक्स आया। तो हमारा बी वन इंटू बी टू, बी वन प्लस बी टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। अब बी वन इंटू बी टू इक्वल टू, यानी कि b1 into b2 1 into 6 equal to 6, a into c के बराबर तो है, तो 1 into 6 जो है 6 के बराबर आ गया। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो c b के बराबर नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a c के बराबर है और ऐड करने पर b के बराबर है। तो यानी हमारा ये वाला फैक्टराइजेशन ले लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, यानी फाइव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस टू, हम इसको दो पार्ट बांट देते हैं। अब इसको अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। अब इसके तो क्या करेंगे, फोर टर्म बन गए, इसको रिग्रुपिंग कर देंगे। रिग्रुपिंग करने के बाद क्या करते, कॉमन लेते हैं, इन दोनों से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस थ्री बचा, और इन दोनों से हमने टू कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस थ्री आपका आ गया। एक्स प्लस थ्री दोनों में जो सेम है, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया और दूसरे में रख लिया हमने एक्स प्लस टू, और ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। आपको टू प्लस थ्री प्लस टू को टू प्लस थ्री भी लिख सकते हो, और तब भी इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल से और मैं करता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15, अगर हम यहाँ पर 1 मानते हैं तो 1 इंटू माइनस 15 इक्वल टू क्या होता है, माइनस 15। माइनस 15 के फैक्टर का करेंगे, माइनस 15 के फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 15 है ना, माइनस 15 का फैक्टर क्या होगा, माइनस हटा दो भी तो 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5, बस यही आप कितने फैक्टर होंगे, 1, 3 एंड 5, तो 15 और 3 इंटू 5। अब इन दोनों को ऐड करने पर 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसमें आपका क्या है, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 आ रहा है, तो ना तो 8 है ना 16। अब इन दोनों माइनस करके देखते हैं, 15 में 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 14 आ रहा है, और फिर 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो गया हमारा, ये वाला यूज करना है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 1 एक्स माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर प्लस का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15, और x का मल्टीप्लाई इधर से तो x हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 15, ठीक है। अब इसको फोर्थ से टर्म हो गए, रिग्रुपिंग कर लेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 15 हो गया, इसमें से इन दोनों से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 15। माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस, ये वाला माइनस पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी दोनों सेम है, अगर जब दोनों सेम आ जाते हैं, समझ लीजिए कि आपने सही रिग्रुपिंग किया है, सही जो है कॉमन लिया हुआ है, एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये दोनों जो ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ये सेम आने चाहिए, सेम साइन के साथ अगर सेम आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपने अभी तक जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही किया है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10, ठीक है, इसका था 1 इंटू 10 इक्वल टू क्या आया, 10 आ रहा है। अब 7, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 10 का फैक्टर बनेगा 2 इंटू 5, और 10 फैक्टर होता है 1 इंटू 10, ये दो बनेंगे। अब दोनों को अगर ऐड करें 5 टू 7 है ना आ रहा है, यानी हमारा ये वाला सेटिस्फाई करेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5y प्लस 10, ठीक है, इसको वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y प्लस 10, माइनस के इधर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 हो गया, y मल्टीप्लाई किया तो y हो गया, फिर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस 5y और प्लस 10, इन दो आप रिग्रुपिंग करेंगे, ये दो टर्म से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इसमें ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेने पर y कॉमन लेने पर क्या बचा हमारा, y माइनस 2, इसमें से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर प्लस का बन जाएगा y, और इसमें से माइनस कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा 2। ये दोनों देखो सेम आ रहा है ग्रुप में, ब्रैकेट में जो नंबर है वेरिएबल दोनों सेम है, समझ जाइए कि आपका जो आपने प्रोसेस किया है वो सही है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और बाहर के जो टर्म है उनको दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे, और ये हमारा क्या हो गया आपका, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। और चलिए अब तो ये ऐसे तो थे जो ax स्क्वायर, इसमें हमारे यहाँ पर आगे टर्म क्या था, 1 था, और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें अब आगे a का टर्म कुछ दिया होगा, ठीक है, तो उसको भी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जैसे आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, अब ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बिल्कुल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर अभी हमने किए थे, क्या किए थे, 1 इंटू 10, और 10 का फैक्टर क्या किया था, 2 इंटू 5, तो इसमें ये आपके समझाने के लिए था, लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ पर क्या सकते हैं, 10 इन प्लस 1 अगर लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 प्लस 2 लिखेंगे तो सही है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 5x प्लस 5, ठीक है, इसमें हम अब क्या हो गया, रिग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रख लेंगे और 2x प्लस 5 को दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया।
और एग्जांपल्स आपको देखते हैं, चलिए और भी देख लेते हैं एग्जांपल। फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस थ्री, फोर एम माइनस थ्री, ठीक है। अब इसको करते हैं, फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। अब माइनस ट्वेल्व के फैक्टर क्या होते हैं, वन इंटू ट्वेल्व, टू इंटू सिक्स, थ्री इंटू फोर, ये तीन फैक्टर बनते हैं। तो पहले हम इसको अगर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे तो फोर आना चाहिए, ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर थर्टीन आ रहा है, ट्वेल्व प्लस वन इक्वल टू थर्टीन, माइनस करने पर इलेवन आ रहा है, यानी इसको नहीं होगा, ये नहीं लेंगे। इसमें सिक्स प्लस टू इक्वल टू एट आ रहा है, लेकिन सिक्स टू माइनस करने पर क्या आ रहा, फोर आ रहा है, यानी ये वाला हमारा सही हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, रॉन्ग हो गया, फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो वन, ये भी आपका नहीं होगा, यानी हम इसको कह सकते हैं टू प्लस सिक्स। तो एम स्क्वायर, फोर एम स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टू, सॉरी लिखेंगे सिक्स माइनस टू लिख देंगे, एम माइनस थ्री, तो फोर एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम माइनस टू एम माइनस थ्री। अब फोर इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, टू एम कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर टू एम प्लस थ्री, इसमें से आपका माइनस वन कॉमन आ जाएगा, टू एम प्लस थ्री। अब इन दोनों ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है, सेम आपका वेरिएबल्स हैं, सेम आपका एक्सप्रेशन है, टू एम प्लस वन थ्री इसमें भी है, टू एम प्लस थ्री है यहाँ पर, यानी कि आपने यहाँ तक जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही किया है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, टू एम प्लस थ्री एक ब्रैकेट में और टू एम माइनस वन को दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने देखा मिडिल टर्म आपका स्प्लिट मेथड, आपका इसे कहते हैं स्प्लिट मेथड है आपका, ये आपका फैक्टराइजेशन करने का, ठीक है। चलिए कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे आपका एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, फैक्टराइज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम पहले क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व एक्स। अब ये और यहाँ पर लाइक टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12x से 6x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 3 टू जा 6 है ना, तो इसको हम कह सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने गिवन एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। और देखते हैं एग्जांपल और देख लेते हैं, जितना आप जिसको सॉल्व करेंगे प्रूफ करेंगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा कि आसान होगा, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर माइनस एट, ये हमारा क्या दिया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज, फैक्टराइज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिट में इसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसके बारे में मैंने ये एक वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस माइनस फोर से, और इस प्लस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस फोर से माइनस एट, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एट। इसमें फार्मूला लगा सकते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर फार्मूले से करते हैं, चलिए फार्मूले से बता दें, है ना, क्योंकि आपको ज्यादा आसान पड़ेगा फार्मूला वाला, तो हमारा क्या होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स ए इंटू
बी, तो इसमें हम रख देंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस फोर माइनस एट, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी, ठीक है ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी। अब इसके फैक्टराइज करेंगे तो हमारा वन इंटू ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी हो गया। अब ट्वेंटी के फैक्टर क्या बनते हैं, वन इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी इक्वल टू टू इंटू टेन, ट्वेंटी का फैक्टर हो गया हमारा फोर इंटू फाइव, बस यही हमारे बनते हैं है ना। तो फोर इंटू ट्वेंटी, तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम और क्या बनेगा पांच रुपये ज्यादा सॉरी यहाँ माइनस वन आएगा, आई एम रॉन्ग, माइनस एक्स हो जाएगा, फोर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स है ओके। हाँ तो इसके फैक्टराइजेशन हमारा ऐसा नंबर लेना जिसमें स्प्लिट करने पर हमारा ऐड करने पर सब्सट्रैक्ट करने पर वन आए और मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी आए, तो हमारा क्या है आपका ये टर्म हो गया फोर इंटू फाइव इक्वल ट्वेंटी, फोर फाइव में से फोर माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा वन आ जाएगा। इसको हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस इंटू एक्स माइनस ट्वेंटी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे वो कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस फाइव, इसमें से फोर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस फाइव आ गया। यहां तक ये दोनों तो सेम है यानी हमने अभी तक जो प्रोसेस किया वो सही है, एक्स माइनस फाइव एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस फोर दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे और इस प्रकार से हमारा जो है क्या है फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इस प्रकार आपने सीखा कि किस तरह हम जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लेकर हमने सीखा कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जितने भी आपका ट्राइनोमियल थे उनको हमने स्प्लिट मेथड के द्वारा सॉल्व करने के कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व करने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आपको ये हेल्प करेंगे, नाइन टेंथ में हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं और आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जब इलेवन ट्वेल्थ में आप जो है साइंस पढ़ते हैं फिजिक्स तब वहां पर भी आपके क्वेश्चन समझ में आते हैं, स्क्रिप्ट मेथड और जो है फिजिक्स में भी काम आता है। तो ये ऐसा जो है कि आपके फैक्टराइजेशन बहुत ही काम का है, आप इसको ध्यान से पढ़ें समझें, वीडियो को बार बार देखें, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है अगर कोई कमी रह गई है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं इसको और सही कर सकूं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जो है उनको भी शेयर करें कि हम जो है वीडियो को, और इसको अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।